Okay.
So my dear student, open the textbook page number 47 to find LCM by prime factorization method. Okay, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है. Okay, three numbers वाला एक example और two numbers वाला एक example. जो next page पे examples है वो हम next video में लेंगे. इनका method थोड़ा अलग है इसलिए. Okay, तो आज के लिए आपको क्या करना है, ये जो example है properly textbook में भी देख लेना है और notebook में भी लिखना है. ठीक है, और blackboard पे मैंने 72 और 96 का भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है. तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आपको क्लास वर्क राइट करना है, डेट राइट करनी है, टॉपिक को नाम देना है टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, और ये जो थ्री एग्जाम्पल्स हैं ये आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, अब देखो इसमें से एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये मैंने करके दिया है. सॉरी, अब मैं इसमें से आपको बी वाला करके दिखाती हूँ. ओके, फास्टली ठीक है. 147 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे. 7 7 49. ओके, सो अब देखो इसको 2 से तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, है ना. सो 3 से है क्या, 4 + 1 5 + 7 12. यस, 3 से डिविजिबल है इसलिए हम 3 से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 × 3 4 = 12. नीचे बचेंगे 2, देन 7 नीचे लाया तो 27 बनेंगे. 3 9 = 49. अगेन 3 × 49 के फैक्टर्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाले हैं, 7 × 7. ओके, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये फैक्टर्स आपको अच्छे से लिख लेने हैं, एक के नीचे एक लिख लेने हैं, मतलब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके, अब देखो एलसीएम हमें निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है. ओके, तो ये 7 और ये 7 कॉमन है इसलिए यहाँ पे लिख दो. इनटू ये 7 दोनों कॉमन है इसलिए यहाँ पे लिख दो. एलसीएम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यस, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ओके, कॉमन 7 7 मिल गए हैं, ये 3 क्या बचा है, अनकॉमन बचा है, वो भी लिख देना है. ओके, देन अब करना है आपको 7 7 = 49 49 × 3, आप करो 147. ओके, द एलसीएम ऑफ 49 एंड 147 इज 147. ओके, सो देखो आज आपको क्या करना है, ये जो रिमेनिंग, ये जो मैंने ब्लैकबोर्ड पे टू एग्जांपल्स लिए वो पहले लिखने हैं, बाद में ये वाला लिखना है, बाद में ये दो आपको सॉल्व करने. ओके, और इसकी फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं. बाय.